हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लीव डिजाइन कैसे बनाए कुर्ती के लिए। तो देखिए, मैंने स्लीव कट कर ली। ये हम बिना लाइनिंग की स्लीव बना रहे हैं क्योंकि कॉटन की स्लीव है हमारी। तो देखिए, इसकी जो लंबाई ली हमने 13.5 इंच ली है और इसकी जो हमने ब्रेथ ली है वो हमारी 7.5 इंच है। तो देखिये, ये हमें 8.5 इंच चाहिए इस तरह से, देखिये। और हमने ये पट्टी तैयार की है डिजाइन के लिए। तो इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो इस तरह से हमारी 2 इंच है। तो हमें करना क्या है, यहां से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहां से और इस तरह से हम फोल्ड करके यहां पे सिलाई करेंगे दोनों साइड इस तरह से। मैंने ये पट्टी तैयार कर ली। अब हम ये 3-3 इंच पे कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिए। अब यहाँ दोनों साइड फिनिशिंग देंगे इस तरह से फोल्ड करके। देखिए, इस तरह जब मैं फिनिशिंग दे दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देखिए, मैं नीचे फिनिशिंग दे दी। अब ये पट्टियां लगाएंगे। देखिए, इसे इस तरह से फोल्ड रखेंगे, सबसे नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे सिलाई करेंगे। फिर देखिए, इस तरह से अब इसी तरह हम इस साइड भी लगाएंगे। तो देखिए, हमें इस साइड निशान लगा लेना है इस तरह से, क्योंकि सेम जगह आनी चाहिए हमारी इस तरह से। देखिए, हमने दोनों साइड पट्टियां लगा दी। अब इसके अंदर डोरी डालेंगे। तो देखिए, डोरी किस तरह से डालनी है, ऊपर से डालेंगे।
देखिए इस तरह से मैंने डोरी डाल दी इसमें और इसमें हमने लटकन भी लगा लिए। तो देखिए लटकन की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी और ये मेरे यूट्यूब पे भी अपलोड है लटकन की, तो आप वो भी देख के इस तरह से ये लटकन बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और यहाँ पे हम इस तरह से गांठ लगा देंगे, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमारी ये पूरी स्लीव तैयार हो गई है। तो आप देख सकते कितना प्यारा लुक आ रहा है स्लीव का। तो आप इस तरह से ही सुंदर सी स्लीव डिजाइन बना सकते हैं और लटकन भी बहुत ही इजी है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।